और बड़ी जानकारी आपको दे, अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आईटी का छापा पड़ा है। एनसीआर के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एसीई ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा के कई ठिकानों पर छापा पड़ा। आयकर विभाग नोएडा डिवीजन की छापेमारी है, बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी है। और एसीई ग्रुप के चेयरमैन को लोग संजू नागर के नाम से भी जानते हैं। ये अखिलेश यादव के उसी तरह करीबी बताए जाते हैं जैसे लखनऊ के राहुल भसीन हैं, जिनके घर पहले भी इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। तो नोएडा, दिल्ली और आगरा के कई ठिकानों पर छापेमारी, एक तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं छापेमारी की, दूसरी तरफ आपको तस्वीर अजय चौधरी की भी दिखा रहे हैं, जो कि अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। तीन जगहों पर अभी छापा पड़ने की जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि नोएडा, दिल्ली, आगरा के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कंपनी की तस्वीर और इसके बाद लगातार आपको अजय चौधरी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये वही अजय चौधरी हैं जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। एसीएस ग्रुप के चेयरमैन हैं और बड़े बिल्डर के तौर पर एनसीआर में इन्हें जाना जाता है। संजू नागर के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। एसीई ग्रुप के चेयरमैन को लोग संजू नागर के नाम से जानते हैं। अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वैसे ही करीबी हैं जैसे राहुल भसीन करीबी हैं, जिनके घर पर पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। राहुल भसीन जो कि लखनऊ के हैं, उनके घर पर भी छापा पड़ा था। और अब अजय चौधरी, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एनसीआर के बड़े बिल्डर के तौर पर जाने जाते हैं, एसी ग्रुप के चेयरमैन है, संजू नागर के नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। आईटी का छापा पड़ा है कई ठिकानों पर। नोएडा में एस बिल्डर पर आईटी विभाग की छापेमारी हुई है। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 26 जो एस ग्रुप का कार्यालय है वहां मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स की गाड़ियां हैं किस तरीके से अंदर जा रही हैं। आपको बता दें कि आईटी विभाग द्वारा जो है सुबह से ही जो बिल्डिंग है जो इसमें लगातार छापेमारी चल रही है, तड़की सुबह से ही जो आईटी विभाग के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। लगभग दो दर्जन से ज़्यादा जो आईटी विभाग के अधिकारी हैं यहाँ मौजूद है, वह जो तमाम दस्तावेज हैं उनको खंगाल रहे हैं और साथ ही जो बकायदा जो सुबह गार्ड्स और जो और लोग थे उनको वहीं पर ही अंदर ही रोक दिया गया है। और वहाँ पर जो आईटी विभाग द्वारा जो दस्तावेज हैं तमाम खंगाले जा रहे हैं, साथ ही जो तथ्य हैं उनको कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ही लगातार जो इनकम टैक्स विभाग है उसके द्वारा यहाँ पे छापेमारी का काम किया जा रहा है। वहीं इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो एस ग्रुप के मालिक हैं अजय चौधरी, वह जो समाजवादी सरकार है उसके करीबी भी बताए जाते हैं। नोएडा से अंकित कौशिक, एबीपी गंगा। तो अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अविनाश, क्या अपडेट है इस वक्त, क्योंकि बताया जा रहा है कि नोएडा, दिल्ली और आगरा, इन तीन जगहों पर कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, ताजा अपडेट इस वक्त क्या है? देखिए जय, अगर बात करें तो सुबह ही आईटी विभाग की एक टीम अजय चौधरी के तीन ठिकानों पर पहुंची, जिनमें आगरा, दिल्ली और नोएडा शामिल है। यहां पे पहुंच के छापेमारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से अजय चौधरी एक बड़ा नाम है, उनका रियल एस्टेट का कारोबार है और एस ग्रुप जो की नोएडा में घर बनाने का काम करता है, बिल्डिंग बनाने का काम करता है, उनका ये कारोबार है और उन्हीं के कार्यालय पर भी सेक्टर 126 पे छापेमारी चल रही है, जहाँ पे आईटी विभाग की टीम मौजूद है। तमाम सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अभी भी तीन से ये छापेमारी अभी भी बदस्तूर जारी है और तकरीबन अगर बात करें तो 50 से 60 के करीब जो पुलिस के जवान हैं और आयकर के अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम सारे दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की कि आय का जो इनका स्रोत है और इसके साथ साथ जो इनका आय और व्यय हुआ, यानी कि जो इनको इनकम हुई है और जिन्होंने डेबिट किया है वो किस तरीके से किया है, और तमाम सारे दस्तावेज अभी भी खंगाले जा रहे हैं। जी अविनाश, क्योंकि कन्नौज और कानपुर में भी लगातार हमने छापेमारी देखी, कई कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ हमें देखने को मिला। आप हमारे साथ बने रहिए। नोएडा से अंकित कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, क्योंकि नोएडा में भी छापेमारी हुई है, ताजा अपडेट इस वक्त क्या है? क्या अभी भी छापेमारी चल रही है? क्या जानकारी और आपको इस खबर पर? जी देखिए, आपको बता दूं कि सुबह से करीब 8 बजे के आसपास जो इनकम टैक्स विभाग की टीम है वह नोएडा सेक्टर 126 की जो एस ग्रुप का कॉर्पोरेट ऑफिस है, उन्होंने यहां पे धावा बोला था और लगभग जो बताया जा रहा है 3 से 4 गाड़ियां जो है यहां पर इनकम टैक्स विभाग की गाड़ियां इस वक्त जो है अभी भी अंदर है।
वहीं अधिकारी की बात करें बताया जा रहा है करीब 15 से 16 यानी कहा जा सकता है एक दर्जन से ज्यादा इनकम टैक्स के विभाग के अधिकारी इस वक्त अंदर मौजूद है, जो कि जो एस ग्रुप की जो तमाम फाइलें हैं, जो कहीं ना कहीं जो तथ्य हैं उनको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। वही आपको बता दें कि अभी भी जो जब आईटी विभाग के अधिकारी अंदर मौजूद एंट्री करी थी, उसके बाद बकायदा जो गार्ड थे उनके भी यहाँ पे जो मोबाइल है उनको भी जब्त कर लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो अभी भी पुलिस बकायदा अंदर है, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार आपको कि जो विभाग के अधिकारी हैं वे इस वक्त गेट पे मौजूद है, और जितने भी गार्ड है, जितनी भी जो बिल्डर से संबंधित जो लोग हैं, जो वर्कर है काम करते हैं, सबके मोबाइल जब्त कर लिए गए। किसी भी एम्प्लॉय को बाहर आने की परमिशन नहीं है। लगातार छापेमारी का काम जारी है, और बताया यह भी जा रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं एस ग्रुप समाजवादी सरकार यानी अखिलेश के करीबी भी बताए जाते हैं, उसी के चलते यह छापेमारी है। और इतना ही नहीं, बताया यह भी जाता है कि कहीं ना कि जो बिल्डर है वह जो बड़े बड़े सफेदपोश नेता है उनके कहीं ना कहीं पैसे को मैनेज कर देता है। ऐसी कई पहलू है जिनको लेकर आईटी विभाग द्वारा छापेमारी करके बहरहाल अभी जो टीम है लगातार छापेमारी कर रही है, अभी जिसके बाद साफ हो पाएगा। जी। और अंकित, क्या अजय चौधरी को लेकर कोई जानकारी मिल रही है? जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि ठिकानों पर छापेमारी तो चल रही है, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी है क्या? अखिलेश यादव से उनके संबंध बताए जा रहे, बेहद करीबी वो बताए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर कितनी क्लियरिटी अभी आ रही है? जी देखिए, आपको बता दें कि आईटी विभाग द्वारा दिल्ली एनसीआर सहित एक साथ कई ठिकानों पर एक साथ जो बिल्डर है उस पर छापेमारी करी गई थी। वहीं नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में भी जो एस ग्रुप है, काफी उनके प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं काफी कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो अभी तक यह तो साफ नहीं हो पाया कि अजय चौधरी कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है जिस तरीके से विभाग द्वारा छापेमारी करी गई, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तथ्य उनके हाथ जरूर लगे हुए जो इतने बड़े पैमाने पर एक साथ छापेमारी करी गई। बहरहाल अभी जो है बात करें अजय चौधरी के संबंधों की, तो इतना है जब समाजवादी सरकार की सबसे पहले तो जो ग्रुप है उसके लगातार काम चलता रहा था, और ऐसे कई बार पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी सरकार से साठगांठ की बातें पहले ही सामने आ चुकी हैं, और इसी को लेकर इस मायने में देखा जा रहा है कि यह छापेमारी करी गई। बहरहाल अभी जो है तमाम जो अधिकारी अंदर मौजूद है और लगातार छापेमारी का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अंकित, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कानपुर और कन्नौज में भी छापेमारी चल रही है इत्र कारोबारियों के ऊपर, तो क्या उससे कोई कनेक्शन निकलकर अब तक सामने आ रहा है? कैसे जानकारी मिली? जी देखिए, अभी यह तो स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि इनका कनेक्शन उनसे है या नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है जिस तरीके से अभी तक छापेमारी चले, कहीं ना कहीं जो समाजवादी सरकार के जो करीबी थे उन पर लगातार छापेमारी का काम जारी है। सबसे पहले इत्र व्यापारी के अभी छापेमारी करी गई, क्योंकि वो भी कहीं समाजवादी सरकार के नजदीकी बताए जाते थे, तो एस ग्रुप भी कहीं ना कहीं जो समाजवादी सरकार है उनका टैग लगा हुआ है, और जो ग्रुप है अजय चौधरी, जो कि आपको बता दें अजय चौधरी पहले भी चर्चाओं में रहे हैं, उन पर पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगे, पहले भी इनकम टैक्स विभाग द्वारा छापेमारी करी जा चुकी है। तो अभी तो फिलहाल जो 126 कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पे 2 दर्जन से ज्यादा जो अधिकारी इस वक्त मौजूद है, लगातार छापेमारी का काम जारी है। और सबसे बड़ी मेरी बात यह है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो गार्ड थे उनको भी बकायदा जो है उनको अंदर जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है, और अभी भी बिना परमिशन के किसी भी आने के लिए साफ तौर मना कर दिया गया है। तो छापेमारी काम जारी है, अब कुछ समय बाद यह साफ हो पाएगा कि छापेमारी क्या है, क्या क्या मिला है, क्या नहीं, इसको लेकर आगे की जो अभी अधिकारीगण से बात होगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। जी। और अंकित, कितने देर से ये छापेमारी चल रही है और कितना वक्त लग सकता है, स्थिति को देखते हुए कुछ समझ पा रहे हैं आप? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि करीब सुबह 8 बजे के आसपास जो आईटी विभाग की टीम है, एक के बाद एक 3 गाड़ियां जो है अंदर जो कॉर्पोरेट ऑफिस उस पर गई थी, तो कहा जा सकता है कि करीब 3-3.5 घंटे से लगातार छापेमारी काम जारी है। और जिस तरीके से छापेमारी का है माहौल है, और जो अधिकारी बराबर जो है तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं, गार्डों से पूछताछ कर रहे हैं, तो यह कहा जा सकता है कि अभी थोड़ा और समय लगना बाकी है, उसके बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, साफ हो पाएंगी। जी। और अंकित, नोएडा में कितने ठिकाने इनके हैं, दिल्ली में कितने ठिकाने हैं, आगरा में कितने ठिकाने हैं, इस बात की कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, आपको बता दूं एस ग्रुप गौतम बुद्ध नगर में जो है चुनिंदा ग्रुप में शामिल है, जिसके सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है। इतना ही नहीं, नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक एस ग्रुप के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन जो बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि नोएडा, आगरा और दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है, और नोएडा में क्या इस वक्त तस्वीरें हैं वो भी हमने आपको
दिखा दिया है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं अजय चौधरी, हालांकि उनके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अंकित कौशिक मेरे सहयोगी लगातार नोएडा से बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं, ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्योंकि नोएडा में इस वक्त छापेमारी चल रही है, जानकारी इस बात की है कि आगरा और दिल्ली के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। जी देखिए, बिल्कुल, दिल्ली, आपको बता दूं कि नोएडा सहित एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी करी गई है, और इतना ही नहीं, जिस तरीके छापेमारी करी गई है तो यह जरूर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आईटी विभाग द्वारा कुछ तथ्य उनके हाथ लगे, जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ छापेमारी करी गई, क्योंकि नोएडा ही नहीं, आपको बता दें आगरा वह और जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बताया जा रहा है कि छापेमारी का दौर जारी है, तो यह तो स्पष्ट अभी कुछ समय बाद ही हो पाएगा कि अधिकारियों के हाथ कुछ लगा है नहीं लगा, लेकिन जिस तरीके छापेमारी है यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि अभी भी कई घंटे लग सकते हैं, छापेमारी काम जारी है, और नोएडा 26 में जो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस बताया जाता है कि गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा ऑफिस है, तो वहां पे भी जिस तरीके से 3 गाड़ियां अधिकारियों से लैस होकर यहां आई है, तो ये बड़ी छापेमारी के तौर पे देखा जा सकता है। जी बिल्कुल अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि लगातार छापेमारी से जुड़ी खबरें